जम्मू में हाल ही में जो 2 दिन पहले जो है यहाँ पर लिक्वर पॉलिसी जो है वो अनाउंस की गई है, उसे लेकर जो है आज शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि 51 जो नई वाइन शॉप्स हैं वो जम्मू और कश्मीर में दी जा रही है, जिसमें से 45 जो वाइन शॉप्स हैं वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर दी गई है जम्मू में, और 6 जो है शराब की दुकान तो ये कहा जा रहा है काफी हद तक रोका जा सकता है। और इसमें ये भी कहा गया था कि जम्मू में शराब की दुकान है, इससे ये होगा कि शराब की जो खपत है वो कम होगी। और यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से आप देखते हैं कि पिछली बार भी जब शराब की दुकानों को ओपन किया गया था तो तब भी जो महिलाएं वो सड़कों पर आई थी, और आकर उनका एक ही मकसद था कि मंदिरों के शहर को शराब का शहर जो है, शराब का अड्डा जो है वो ना बनाया जाए। लेकिन हाल ही में जो न्यू एक्साइज पॉलिसी जो है अनाउंस की गई है, जिसकी मैं आपको बात कहूँ जो अप्रैल 1 से लेकर यानी जो यहाँ पर जो है लागू होगी, और ऑक्शन के जरिए जो है ये दुकानें जो है वो अलॉट की जाएंगी। तो हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है शराब की दुकानें उन एरियाज में भी जो है वो अलॉट की जा रही है, जहाँ पर जो है शराब की दुकानें कहीं देखने को मिलती नहीं मिलती थी, जहाँ पर सड़क ना पहुंच सके, लेकिन इस बार जो है शराब की दुकान जो है वो वहां तक जरूर पहुंच रही है। तो यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि जम्मू को हम मंदिरों के शहर से पुकारते थे, और हम चाहते 2 साल पहले की बात करूं 200 से भी कम शराब की दुकानें थी, लेकिन इस बार की बात करें तो 278 के करीब जो है शराब की दुकानें, यानी 280 के करीब जो है शराब की दुकानें जो है वो पहुंच रही हैं। आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा टारगेट कि 2 साल पहले 200 से कम शराब की दुकानें थी, और अगर अब हम बात करें 2022 में 2 साल के बाद में जो है इनकी तादाद जो है लगभग 280, अगर बात करें 278 के करीब जो है वो पहुंचने वाली है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस बार जो एक्साइज पॉलिसी के जिस तरह से ऑनर थे उनसे ये भी लिखवा के लिया गया था कि आप जो है इसके बिना जो है वो कोई काम जो है आप नहीं कर पाएंगे। उनके बच्चों से लिखवा के लिया गया था कि अगर आपका ये बिजनेस है तो सिर्फ आप यही काम कर पाएंगे, इसके अलावा अन्य रोजगार में जो है आप हिस्सेदारी नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, और ये जम्मू में मैं आपको बता दूं जम्मू में ये प्रदर्शन जो है ये पहली बार हो रहा है शराब की दुकानों को लेकर। और जिस तरह से अगर मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर में टोटल शराब की दुकानों की बात करते हैं लगभग अगर मैं बात करूं 10 या 11 होंगी, और 280 की जिस तरह से मैं बात कर रही हूं वो शराब की दुकानें जो है वो जम्मू में है। और ये पहला प्रदर्शन जो है एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ जो है हो रहा है, शराब नीति की यहाँ पर बात करते हैं, और जिस तरह से और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अभी उनके द्वारा जो है जम्मू में कोई प्रदर्शन जो है वो नहीं किया गया है। और लिक्वर की बात करते हैं हम अक्सर जो है उन्हें उनसे अपने बच्चों को या अपने बच्चों के मुस्तकबिल को जो है वो दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि विरोध के स्वर जो है वो ऊंचे होते जा रहे हैं, मुखालफत जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम देखें तो इस तरह की पॉलिसी को लाने की जरूरत ही क्या थी, जब इससे पहले भी जो है नई लिक्वर पॉलिसी की शुरुआत की गई थी तब भी लोगों में जो है वो रोष ही था, लेकिन अब जो है वो क्यों जरूरत पड़ गई। अगर स्वर की मैं आपको बात बताऊं तो उसमें यही है कि शराब की दुकानें जो है वो नहीं खुलनी चाहिए। ये जो शराब नीति सरकार ने बनाई है इसमें पूरा जम्मू के शहर को शराबियों का शहर बनाने का प्रयास किया गया है, और ये जो प्रयास हुआ है इसके अंदर 58 दुकानें नहीं खोलनी है, जिसमें से 51 जम्मू के अंदर, 7 श्रीनगर के अंदर। पहले जो हमने खोली 286 खोली, टोटल अब खुलेंगी। पहले जो हमने खोली उसकी सारी व्यवस्था अधिक से अधिक जम्मू में है, श्रीनगर के अंदर 4 खोली, 4 में से 2 खुली, 2 लोगों ने खोलने नहीं दी। अब जम्मू को शराबियों का शहर बनाने का एक प्रयास हो रहा है। माननीय उपराज्यपाल जी अब बड़े अच्छे इंसान है, हिंदुस्तान की कोई भी यूटी, कोई यूटी उठा लो आप, दिल्ली यूटी उठा लो, कितनी दुकानें वहां हैं। हाँ अभी केजरीवाल जो है
हर 2 किलोमीटर के ऊपर एक खोलने का प्रयास कर रहा है। अब कहते हैं किराने वाली दुकान के अंदर भी केजरीवाल जी शराब देंगे, अब शराब ही रह गई है, अब रोटी नहीं मिलेगी, आटा नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेंगे, वो तो मोदी जी फ्री दे रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये जम्मू के मंदिरों को, शहर को शराबियों का शहर बनाने की माननीय उपराज्यपाल जी आपके नीचे एक साजिश चल रही है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपने बड़ी अलग अलग सी घोषणाएं 72 वर्ष के बाद यहाँ करी हैं, लेकिन ये जो आपकी एक्साइज नीति है, मुझे लगता है कोई हिस्सा नहीं बचेगा, यहाँ बार शराबी पड़े दिखाई नहीं देंगे। और उस शराब के विरोध के अंदर आज हम प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहते हैं। आपसे मांग करना चाहता हूँ कि ये जो जितनी शराब की दुकानें खुल रही हैं, अरे बाबा जब आप हर बार बराबरी कहते हैं, श्रीनगर जम्मू की बराबरी, अरे शराबिये भी बराबरी पैदा करो ना, पैसे तो बराबर जाएंगे, व्यवस्था बराबर जाएगी, तो शराबिये बराबर नहीं होने चाहिए। ये सिर्फ मैं व्यंग के व्यवस्था के अंदर कह रहा हूँ, शराबिये कहीं नहीं चाहिए। आज भरपेट रोटी खाने को नहीं है, लेकिन आपकी सारी बातें आज इस व्यवस्था को लेकर के, जब पाकिस्तान वहां से नारकोटिक के माध्यम से कितने ज्यादा ऐसे पदार्थ भेज रहा है जिसे नौजवानों का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाए और नौजवान नस्ते नबूद हो जाएं। पाकिस्तान नारकोटिक्स भी व्यवस्था के अंदर बड़ा सामान भेजने का प्रयास कर रहा है और हम भी उसके अंदर शमूलियत करने की बातें कर रहे हैं। मैं सीधा मांग करना चाहता हूँ, ये दुकानें बंद होनी चाहिए, गुजरात की तरह बंद करो, गुजरात की तरह जो बिहार की तरह बंद करने खुलने से शराब बोलेंगे शराब की दुकानें खुलने से शराब की खपत जो है वो कम होगी, ये अटल डुल्लू जी का कहना है। मेरा डुल्लू अटल वो क्या कहते हैं सर, सर 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 ये कहा गया है कि जो अटल डुल्लू जी आप बड़े अच्छे इंसान है, अब कोरोना काल के अंदर हेल्थ के अंदर बड़ा बढ़िया काम करा आपने, लेकिन आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, अरे 4 वहां खोली पिछली बार, 2 नहीं खोली, आपने क्या कर लिया? अभी आप जो खोलने का प्रयास कर रहे हैं 7 वहां नहीं खुलेंगी, लेकिन जम्मू के अंदर धड़ाधड़, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर भी शराब की दुकान खुल गई है। माननीय पूज्य पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के स्थान के ऊपर शराब की दुकान खोलने का आप लोगों ने प्रयास कर दिया, इतनी बड़ी गुंडागर्दी। सर इसका विरोध क्यों नहीं किया बीजेपी ने? आपने सवाल क्यों किया कभी? मैंने सवाल करना है, आपका काम मैं करूंगा। पहले किया कभी? अरे आपका काम मैं करूंगा, अपना दायित्व निभाने का प्रयास करो। आप भी बड़े बड़े इंटरव्यू लेते हो, लेकिन कभी किसी को नहीं पूछा, माननीय श्रीमान जी उच्च पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा, डोगरों की शान, उसके बाद शराब की दुकान, ये आपने नहीं पूछा? साफ तौर पर आपने देखा कि शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा था, और प्रदर्शन था न्यू एक्साइज लिक्वर पॉलिसी को लेकर की, जिसमें जो है शराब की दुकानें जो है वो सौगात में दी गई है। इस बार देखने वाली बात यह है, जहां पर सड़क ना पहुंच पाई लेकिन वहां पर जो है वो शराब की दुकान जो है वो जरूर पहुंच रही है। और इसी के साथ यहां पर आपको बता दें कि यहां पर जो प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें यही था कि क्या जम्मू को शराब की दुकानों की जो है वो ज्यादा जरूरत है। और उसी के साथ अगर बात करते हैं, जम्मू में ये पहला प्रदर्शन था, इसके साथ जो बाकी अनदर पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं इस पॉलिसी पर, लेकिन जिस तरह से अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो वो पहला था। इसी के साथ यहाँ पर जो है वो बीजेपी सरकार की अगर बात करते हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम इस शराब को जो है वो खत्म करेंगे। अगर हालांकि हम उनके जो मंत्रियों की बात करें, अगर हम बिहार की बात करते हैं और अगर हम गुजरात की बात करते हैं, उनमें जो है वो ड्राई स्टेट है, और आपने देखा था बिहार में किस तरह से जो है वो प्रदर्शन किए गए थे कि यहाँ पर शराब को जो है वो एक ही बार में जो है वो बैन किया जाए। लेकिन अब जम्मू में देखेंगे कि जम्मू में लगातार अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो 200 से जो है वो कम दुकानें थी, लेकिन इस बार जो है वो 200 से भी जो है ज्यादा दुकानें आंकड़ा पार हो रहा है। और जम्मू में जिस तरह से अगर हम बात करें, श्रीनगर में उसके बराबर क्या, श्रीनगर में बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर लोगों पर जो है इससे गलत असर पड़ेगा। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसमें अल्कोहल की मात्रा जो है वो कम रखेंगे, यानी शराब की खपत कम होगी। इस पॉइंट को आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे ये आपका कहना होगा, तो इसकी राय जो है अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिक खान साहब, अल्लाह हाफिज़।